कैसे हैं आप? मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद मोनिका। दोस्तों, आज मैं बड़े गजब का नाश्ता लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि घर पर सिर्फ दो आम सी चीज़ें रखी है ना, गेहूँ का आटा और आलू। उससे हम बढ़िया से समोसे से भी टेस्टी क्रिस्पी क्रिस्पी समोसा रोल्स बनाएंगे, जो कि बहुत ही क्रंची होंगे खाने और बनाने में बहुत आसान होंगे। इसके लिए लिया है मैंने गेहूँ का आटा। देखिए, नॉर्मल जो रोटी बनाने के लिए आप आटा लेते हैं वो ले लीजिए। अगर आपको लगता है आटे में चोकर ज़्यादा है तो आप छान भी सकते हैं आटे को। 2 कप आटा लिया है, उसमें आधा टीस्पून मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ। आधा टीस्पून के करीब आप इसमें नमक भी ऐड कीजिए और थोड़ा सा घी ऐड कर रहे हैं। मैं इसमें 3 टीस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ, वनस्पति घी वो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें 3 टीस्पून अगर घी ऐड कर रहे हैं, घी नहीं है तो 4 टीस्पून तेल ऐड कर दीजिए। अब आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पहले घी को खूब अच्छे से आटे में मिक्स करके एक भुरभुरा सा मिक्सचर बना लीजिए। 3-4 मिनट तक मैंने अच्छे से घी को मिक्स कर लिया आटे में, और बहुत अच्छे से अब ये दानेदार सा हो गया है। इस तरह से मुठियाँ सी बन रही हैं। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, जब भी आप कोई खस्ता नाश्ता बना रहे हो तो आप इस तरह से आटे को पहले इस तरह से मलना ज़रूरी रहता है, सूखा ही। अब मैं पानी नॉर्मल ऐड किया है, उसे ऐड करते हुए मैं सख्त सा आटा गूंद लूंगी। रोटी से सख्त होना चाहिए आटा। तो देखिए, आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है, बस मलना नहीं है अभी इसे, बस इकट्ठा कर लीजिए। और 15 से 20 मिनट तक आटे को रेस्ट कराएंगे अब हम। मैं आटे को भी ढककर रख रही हूँ, और जब तक हम स्टफिंग जो हमें क्या चाहिए उसकी तैयारी करेंगे, तब तक आटा रेस्ट कराइए। हम समोसा रोल बना रहे हैं तो जो इसके अंदर की स्टफिंग होगी ना, वो भी समोसे जैसी ही टेस्टी होगी। तो उसमें मैं उबले हुए आलू ऐड करूंगी, साथ ही थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ी सी किशमिश है, थोड़े से काजू हैं जिन्हें मैंने बारीक काटा, और हरी मिर्च है। आप हरा धनिया ऐड करना चाहें तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा मिक्सचर बहुत स्वाद बने। इसमें डाली हींग, थोड़ी सी आधा टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई सौंफ और 1 टीस्पून ही कसूरी मेथी। थोड़े से मैंने मटर के दाने लिए हैं, जो कि बहुत थोड़े हैं, 10-12 दाने बहुत हैं। अब दोस्तों, हम ये जो रोल बना रहे हैं, ये इसमें जो आलू की स्टफिंग करेंगे वो खुले नहीं, बिखरे नहीं, तो मैं ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो ये ब्रेड के स्लाइसेस हैं, तो ये मोटे वाले स्लाइसेस हैं, तो मैंने 2 लिए हैं। अगर आप प्लेन वाले स्लाइस ले रहे हैं तो 4 स्लाइसेस ले लीजिए। तो आप मोटे तौर पर देखिए कि 6 आलू हैं तो 4 ब्रेड के स्लाइसेस आप चाहिए। इन्हें भिगो कर अच्छे से निचोड़ लीजिए। देखिए, इस तरह से निचोड़ने से बहुत सॉफ्ट हो गए, इन्हें मैश कर लीजिए। और जो मैंने आलू उबाल कर रखे थे 6, उन्हें भी मैंने मैश कर लिया है। हमारी स्टफिंग बहुत टेस्टी बने तो इसको थोड़ा सा हम छोंक लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 छोटे चम्मच तेल लिया है, और तेल में हम पहले जो सूखे मसाले हैं, जैसे हींग जीरा है, सौंफ कसूरी मेथी अदरक है और हरी मिर्च, ये ऐड करते हैं। इन्हें आप पकाइए 2 से 3 मिनट, और साथ ही इसमें मटर के दाने ऐड कीजिए, बारीक कटे हुए काजू और थोड़ी सी किशमिश भी ऐड कर दीजिए, जो कि बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से। अब मैं इसमें सीजनिंग कर रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, आधा टीस्पून से भी कम डाली है, आधा टीस्पून से भी कम मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। मसालों को थोड़ा सा भून लीजिए ताकि जो हल्दी रहती है ना, उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो 2 मिनट भूनिए, आँच को कम कर दीजिए, और साथ ही इसमें उबले आलू जो हमने मैश किए थे ऐड कीजिए। इन्हें आप मिक्स कर लीजिए, कम आंच रखिए, और 2 से 4 मिनट में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब मैं इसमें जो हमने ब्रेड के पीसेस को मैश करके रखा था, पहले पानी में भिगोया था फिर मैश किया था, ऐड कर रही हूँ ताकि आलूओं की बाइंडिंग हो जाए, आलू बिखरे नहीं। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप अरारोट का पाउडर या कॉर्नफ्लोर पाउडर ऐड कर सकते हैं, और जब भी कोई इंडियन स्नैक बनाते हैं उसे चटपटा बनाने के लिए उसमें आमचूर पाउडर ज़रूर ऐड किया कीजिए। तो मैंने 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड कर दिया और इसे प्लेट में निकाल लिया मिक्सचर को। अब इसे थोड़ा ठंडा करेंगे फिर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, मिक्सचर हमारा 10 मिनट से रखा हुआ था, मैंने ठंडा हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आप हाथ में तेल लगाइए और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए, थोड़ी सिलेंड्रिकल शेप दे दीजिए। देखिए, हमने इन्हें पट्टियाँ समोसे की बनाएंगे, उसमें रोल करेंगे। तो इस तरह से मैं इसे थोड़ा सा राउंड, नहीं राउंड बॉल बनाकर उसे थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ। आपको जितने रोल्स बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से पोटैटो को रोल कर कर रख लीजिए एक तरफ। और हमारा आटा भी दोस्तों रेस्ट कर रहा था पिछले 20 मिनट से, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और इसे एक सार कर लेते हैं। आटे को हमने मलना नहीं है, बस इसे एक सार कर लीजिए।
आटे में से एक बड़ी सी लोई निकालेंगे और उस पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और उसे बेल लेंगे। पतला बेलिए, जैसे रोटी के लिए बेलते हैं उससे भी पतला बेलिए। जितना पतला बेलेंगे आप उतना ही अच्छा हमारा रोल बनेगा, क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए मैंने बड़ी सी पतली सी मैंने रोटी बेल ली है, बहुत बड़ी सी। और देखिए इसे आप, देखिए आप हैंडल करें तो इजीली ये हाथ में आ जानी चाहिए। बस इसे थिन कीजिए और आप इसे इस तरह से एकदम इक्वली बेल लीजिए। अब मैं इसमें से एक स्क्वायर पीस निकाल रही हूँ नीट सा, तो मैं पिज्जा कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं। देखिए एक बड़ा सा मैंने पहले बड़ी रोटी बेली मैंने, और अब मैंने इसमें से एक स्क्वायर पीस जो है बड़ा सा निकाल लिया है। अब मैं इसमें से लंबाई में 3 पट्टियां काट लूंगी। तो देखिए अब ये इस तरीके से मैं लेंथ वाइज इसे काट लेती हूँ, और पिज्जा कटर से थोड़ा इजी रहता है, आप चाकू से भी काट सकते हैं। देखिए हमारी 3 ये पट्टियां रेडी हैं। बहुत लंबी भी नहीं बनानी कि रोल बहुत हमारा ज्यादा लंबा बने। और ये देखिए बहुत इजीली ये मैंने निकाल ली है, टूट भी नहीं रही है और लेकिन थिन भी बहुत है। तो जितनी, जैसे कि मैंने पहले कहा, जितनी पतली होगी उतनी क्रिस्पी और अच्छी बनेगी। इस तरह से पतली पतली पट्टियां आप निकाल लीजिए आटा बेलने के बाद। अब इसको हम रोल करेंगे। देखिए इस तरह रखकर बताती हूँ आपको। हमने जो आलू का हमने बॉल बनाया था उसे एक कोने में रखिए और इसे इस तरीके से घुमाना शुरू कर दीजिए पट्टी को। इसे इस तरीके से रोल रोल करते जाइए। देखिए हमारा बड़ा अच्छा सा पोटैटो रोल बन गया है, कितना बढ़िया सा। और इस तरह से आप सारे रोल बना लीजिए, और इसमें आपको तेल या पानी नहीं लगाना है, बस ऐसे आप रोल रोल करते जाइए और बना लीजिए। तो देखिए इस तरह से सारे रोल बना लीजिए और इन्हें जो हमारा लास्ट वाला कोना है ना उसे फोल्ड कर दीजिए, ताकि जब हम रोल तेल में डालें तो एकदम पट्टी खुल ना जाए। तो इसको कोने से इस तरह से उठाकर आप फोल्ड कर दीजिए। देखिए ऐसे जैसे मैंने फोल्ड कर दिया, थोड़ा सा चिपकाने की कोशिश कीजिए। यहां से कोना उठाइए और इसे दबा दीजिए, फिक्स कर दीजिए। रोल्स बना लेंगे हम, फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल को ज्यादा गर्म नहीं करना है। देखिए मैंने आटे का टुकड़ा डाला है, वो तले पर बैठा हुआ है, वो तले पर बैठा रहा है लेकिन थोड़ा सिक रहा है, इतना ही गर्म होना चाहिए। आपने आटा डाला तेल में और एकदम से वो तैर कर ऊपर आ गया, यानी कि तेल बहुत गर्म है। तेल को ठंडा कीजिए। इस तरह से जब आटे का टुकड़ा तले पर बैठा रहेगा उतना ही तेल हमारा गर्म होना चाहिए। और इस तरह से रोल्स जो हमने बनाए थे इन्हें हम डाल देते हैं तेल में और आंच को कम रखेंगे। सारे रोल्स मैं एक साथ फ्राई कर रही हूँ, 10 से 12 रोल। आप कढ़ाई पर डिपेंड करता है कितनी बड़ी है, आप फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आंच कम रखी है और सारे रोल्स मैंने इसमें आराम आराम से डाल दिए हैं। और जब आप रोल्स कढ़ाई में डालेंगे तो आपने एकदम से इनको चलाना नहीं शुरू कर देना, नहीं तो ये खुल जाएंगे और इतने खस्ता भी नहीं बनेंगे। 5 मिनट तक आराम से आप एक तरफ सिकने दीजिए। देखिए आप थोड़े थोड़े पकने लगेंगे तो आपको देखकर अंदाजा हो जाएगा, तो आप फिर इन्हें घुमाकर पलट देना। तो पिछले 5 से 7 मिनट से एक तरफ से पक गए हैं ये, इनका थोड़ा रंग बदलने लगा है। आप किसी फोक की हेल्प से इन्हें पलट दीजिए ताकि दोनों तरफ से सिक जाए। तो देखिए अब इनका कलर नहीं चेंज हो रहा है, बस ये थोड़े सिकने शुरू हो गए ताकि ये खस्ता हो जाए। अगर एकदम से कलर चेंज हो जाएगा तो ये कच्चे रह जाएंगे और स्वाद नहीं लगेंगे, खस्ता नहीं बनेंगे। दोनों तरफ ही 5-5 मिनट मैंने कम आंच पर सेका है और अब मैंने आंच को बढ़ा दिया है 10 मिनट के बाद, ताकि अब मैं इनको कुरकुरा कर लूं। ये सिक चुके हैं 10 मिनट तक, अब तेज आंच पर इन्हें पकाइए जब तक अभी इनका रंग ऐसा है थोड़ा और गहरा ना हो जाए। तो देखिए हमारे कुरकुरे खस्ता रोल जो है बिल्कुल बन गए हैं। इस तरह से आप इन्हें निकाल लीजिए, जब आपको लगे कि बस ये बनने ही वाले हैं आप इन्हें तुरंत निकाल लें, क्योंकि इन्हें आप कढ़ाई से निकाल लेंगे उसके बाद भी ये थोड़े थोड़े और कुरकुरे हो जाते हैं। देखिए बहुत अच्छे खस्ता फ्राई हो गए हैं, इन्हें गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए। देखिए कितने अच्छे हमारे कुरकुरे खस्ता आटे से हमने कितने बढ़िया समोसा रोल्स बना लिए हैं, जो कि आप एक नॉर्मल से समोसे रोज बनाते हैं ना, थोड़ी हटकर डिश है। घर पर गेस्ट आए, सिर्फ आलू रखें और आटा रखें, आप उससे भी देखिए कितनी खस्ता और अच्छी नई डिश बना सकते हैं। देखिए कितना खस्ता बना है, एकदम क्रंची बना है और इसकी अंदर तक बहुत अच्छे सिकाई हुई है, और रोल्स में जो हमने लेयरिंग की है वो भी बहुत ही कुरकुरी और अच्छी रेडी हो गई है बनकर। मैं तो इन्हें सर्व कर रही हूँ उंगली की खट्टी मीठी चटनी के साथ। देखिए कितना अच्छा खस्ता फ्राई हुआ है। आपका मन कर रहा है ना बनाने का ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, तो जल्दी बनाइएगा, बनाकर मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। आपसे फिर मिलूंगी नई रेसिपीज लेकर। अपना ख्याल रखिए, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।